अचानक से एक सुबह मैं उठा मुझे एक पिक्चर आई हुई थी मेरे ईमेल पे या टेक्स्ट पे उस वक्त व्हाट्सएप नहीं उस पिक्चर में लिखा था कि मुझे किसी ने लॉ सूट किया है किसी ने सू किया है तो पता ये चला कि एक ब्रांड था जिसकी प्रोडक्ट मैं बेच रहा था ई पे उसने मुझे सू कर दिया दे। सूट में उन्होंने मुझे लेटर भेजा कि आपको बीस हज़ार डॉलर हमें फ़ाइन देना है और अपना जितना भी प्रोडक्ट है आपके पास वो सारा हमें दे दे

Now, I have a bunch of inventory sitting on site. I have some money. I have a lawsuit. I have zero income. I not only have zero income, I have about eight to $12,000 of tuition fee. I have about eight to $12,000 of accommodation fee. I have $20,000 lawsuit. <laughs> Donald Trump

before we move on boys and girls don't forget to subscribe your boy musa Khana, and don't forget to follow me on instagram instagram i am very active reels ho vela sabariyan and tiktok pe bhi aap log manji, follow kar sikte. anyways enjoy i came back down देखो इंसान के लिए जरूरी है कि हर थोड़े टाइम बाद अल्लाह उसको उसकी हैसियत बताए। अगर मैं उससे ऊपर ही जाता रहता तो आज मैं भी शायद गाली देने वाला कोर्स बेचने वाला बंदा होता मुझे गिराया नीचे दोबारा मुझे औकत याद दिलाई मन ये औत है तुम्हारे अल्लाह तला ने कहा की भाई तू बंदा है बंदा बंदा है, बंदा रहे वो अपो ने भगवान वाली फीलिंग नहीं लेके हम, हम को कहता हूँ no इस पे एक करते मुझे वो एक बंदा पूछ रहा था डोंट लाइक एनी बरी तेरा फेवरेट सिंगर कौन है डोंट लाइक एनी बरी तेरी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल होता है बार बार की आप खातीन में आपको कौन पसंद है एक्ट्रेस नो बड़ी नो वन डिजर्व टू बी से

आज के बाद ये प्रोडक्ट नहीं बेचना और जो अगर तुम्हारे पास पड़ी हुई है वो तुम्हें फेंकनी पड़ेगी तुम कुछ नहीं कर सकते मनी वेस्टेड अच्छा मैंने कहा डन मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ मुझे ये सब टेंशन नहीं चाहिए सही है। मैंने क्या किया वहाँ लोकल मार्केट में दूसरे दिन एक वेबसाइट है जिसपे मैं गया अपने बिजनेस बनवाए बनवाएज बिजनेस कार्ड्स वर आई बाय स्टफ ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉलेज डोन्स में क्या होता है कि लोगों के पास पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना जो कि वो बेचते हैं टिपिकली तो मैंने वो उसके बिजनेस कार्ड बनाया मैंने सारे डोन्स में बांटना शुरू कर दिया अब मैं पढ़ाई कर रहा था लोगों के पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहा था और वो बेच रहा था इक्कीस हजार अभी भी बच गए थे उससे इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करके बेच रहा था तो आई स्टार्ट मेकिंग मनी दैट वे डोर टू डोर अब एक बंदा ऑनलाइन लैपटॉप की कंफर्ट से अब डोर टू डोर पे आ गया अब मेहनत ज्यादा हो गई है थोड़ी एट द सेम टाइम पढ़ाई चल रही थी अब पढ़ाई की अपनी से फोर्थ ईयर में मैं अपने जो कि तुम कहते हो ना एक डिप्रेसिंग टाइम आ गया एक टाइम आ गया जिसमें रात के बारह बजे गाड़ी में बैठा लगभग यहाँ की ड्राइव कि कितनी है सात आठ घंटे दस घंटे दस घंटे हाँ, रात की बारह बजे मैं अपनी गाड़ी में बैठा और मैंने ड्राइव करना शुरू किया सुबह साढ़े दस बजे मैं यहाँ पहुंचा और जब मैंने आके अपने की शक्ल देखी तो अब मैं दो साल वहां रहा हूँ दो साल में बीच में आया भी था दो साल बाद मुझे वो इंसान बीस साल ज्यादा बूढ़ा तो मैं क्यों क्या और फिर मैंने यहाँ आकर अपने आप को इतना रॉक बॉटम देखा मैंने यहाँ एक स्टोर शुरू किया जो कि फील्ड बिजनेस मैंने वो स्टोर शुरू किया मैंने अब होगा आज के बाद आप जॉब नहीं करोगे अच्छा वो इमोशनल डिसीजन 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 इट 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 इन इन रैशनल सोफिस्टिकेटेड लाइक यू विल नेवर वर्क अगेन आज no, के बाद no, आप जॉब no. नहीं करोगे मैंने ये स्टोर खोल लिया अब स्टोर भी वो जो इन्वेस्टमेंट बची हुई थी उन्हीं चीजों से खोला जो इलेक्ट्रॉनिक्स बाय कर रहा था वही माल ले आया मैं यहाँ पे वो स्टोर खोला तीन साल मैंने वो स्टोर चलाया विद फेलियर

मैं और मेरे डैड उस को रन करते रहे रहे मेकिंग अगर हम दोनों जॉब भी कर रहे होते ना मेड डबल ट्रिपल द मनी रनिंग ये कभी बताया नहीं है कहीं ये this, तीन साल बाद मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई एक ब्रांड की कि भाई आप अपने स्टोर को ये ब्रांड बना लें वी आर ट्राइंग टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट जिप कोड इन वी आइडेंटिफाइड कि ये जगह अच्छी हो सकती है दिमाग थोड़ा सा अलग था शकी दिमाग था क्योंकि पाकिस्तान में रह के आए शक सीखा है तो वो सलाम ले ले बंदा कहता वो हाँ जेब देख ले, ले, ले जेब ले देख लेते हो आप अपनी फॉरन तो, तो मैंने उसको भगा दिया जो एजेंट आया था मैंने उसको कहा जाओ भाई हमें नहीं करना हम अपना सही है हम अपने आप को है ना उस भी जैनी हमारी कोई ब्रांच नहीं, जैनी, कोई ब्रांच नहीं है जैनी तौर पे मैंने एक ब्रांड क्रिएट किया था जिसको काम तो मेरा, मेरा हम तो करेंगे हमें कोई प्रोसेस नहीं चाहिए क्योंकि देर बॉसिस बहरहाल उनको मैंने मना कर दिया और भगा दिया अब क्या हुआ कि हम अपने हमारी बिजनेस में होता ये था कि लोग प्रोडक्ट्स लाके अपनी बेचते थे पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आईफोन्स सैमसंग्स एंड का है, जो जो बेच रहा। हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन होता था जो हमसे फिल करवाते और वो फिर पूछते भी थे रिकॉर्डिंग purpose, के लिए तो एक बंदे ने आके हमें कुछ अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स बेची टीवी बेचा फोन बेचा वगैरह तो कुछ दिन बाद मुझे एक कॉल आई कॉल में वो मुझे पूछता है कि अच्छा वो प्रोडक्ट जो हमने खरीदा तो वो हम बेच चुके थे हमारा एक प्रोसीजर था भी हम सबकी आईडी लेते थे जिससे ले रहे हैं चीज़ वेवर साइन करा के टू तो टू प्रोटेक्ट एंड मेक श्योर कि हम कोई गलत चीज नहीं ले रहे किसी से बहरहाल एक कॉल आई मुझे कह रहे हैं कि आपके स्टोर से ये प्रोडक्ट है एंड दिस इज रिपोर्टेड लॉस्ट टू स्टोलेंड तो हम तो दिमागी आउट हो गया क्योंकि हमने तो सारी जिंदगी हमने लगा दी मेक sure करने के लिए कि वी right कॉल सीधे, सीधे तो आई तो आई वाज अंडर एन इम्प्रेशन कि वो लॉ एनफोर्समेंट की कॉल थी किसी पुलिस वाले की कॉल थी मैंने उसे कहा कि देखो ये ये चीजें उस बंदे ने भेजी है मेरे पास उसकी कैमरा फुटेज है मेरे पास वेवर है मेरे पास

एक डर बैठा हुआ था कि यार कोई गलत चीज में गया गया भी ना फंस जाए आए कोई कोई ऐसा ना ना बड़ी फर्स एनी फिर हमारे पास तो वो आया उसको मैंने ये दिखाया कि देखो ये बंदा है ये 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 आईडी है इसकी, ये वेवर है ये है इसकी वेवर रिकॉर्डिंग और ये और दो तीन चीजें पड़ी हुई हैं उसकी हमारे पास अभी भी पड़ी हुई है पीछे तो ले लो तुम भाई और इसको खत्म करो बिकॉज आई एम नॉट एट फॉल्ट और अगर कहीं जाना पड़ा कोर्ट वगैरह तो आई फाइट इट तो उसने मुझे कहा नहीं यार मैं लॉ इनफोर्समेंट नहीं हूँ मैं इस कंपनी से हूँ जो ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट करती है शिप करती है तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन में ये चोरी हुआ है हमने तो इंश्योरेंस क्लेम कर लिया हमें कुछ नहीं चाहिए हमें बस इस बंदे की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तुमने दे दिया मैंने कहा थैंक यू वेरी मच दो दिन बाद रिलीफ हुआ अब खाना खाने वाला मूड हुआ लेकिन खाना नहीं खाया मैंने वो तो जैसे ही बाहर निकला वो जो ब्रांड वाली आई थी ना थोड़े टाइम पहले मैंने सबसे पहली कॉल उसको घुमाई मैंने कहा मुझे ओवर स्टोर को ब्रांड में कन्वर्ट करना है उसी को उसी को लेकिन जब उसको कॉल की मैसेज किया तो अब वो नाउ देवर प्लेइंग हार्ड टू गेट <laughs> फिर वो स्टोरी शुरू होती है जो दुनिया में सबने सुनी हुई है कि हमने सूट पहने किराए के सूट लिए स्टेक फोर्टी एट गए खाने खिलाए और वहां से वो शुरू होता है जर्नी जो कि अपना कारोबार का एक स्टोर खोला एक स्टोर अच्छा नहीं चला दूसरा खोला दूसरा अच्छा चल गया अच्छा चल गया तो हमें दिख गया कि ये भी एक मॉडल है जो हमें पता ही नहीं था हम इग्नोरेंट थे उस मॉडल से थ्री फोर फाइव सिक्स टू द मोर और जो मैंने लाइन कही है उस वक्त पैसे कहाँ से आ रहे थे मुझे पता नहीं चल रहा था वो तो बिजनेस इतना सक्सेसफुल हो गया था काम इतना फ्लरिश कर रहा था इतनी बरकत हो गई थी उसमें कहाँ से आ रहे थे मुझे पता नहीं चल रहा था मैं मल्टीप्लाई किया जा रहा था डबल ट्रिपल फोर सेंडिंग आउट द सोल्जर्स एवरी डे उस वक्त भी दस साल तक छोटे घर में रहा सारी फैमिली लोगों की फैमिली छोटे घर में रहती थी हालांकि ले सकते थे बहुत से लोग मजाक उड़ाते थे कि आप वो हो नहीं जो आप दिखा रहे हो जो आप, आप कहते हो आपके इतने स्टोर हैं आपके नहीं है क्योंकि आप गाड़ी ये वाली चलाते हो आप छोटे से घर में रहते हो मैंने कहा ठीक है भाई आप नहीं समझते नो no प्रॉब्लम

यहाँ पे हर एक सिग्नल पे सेल फोन स्टोर खुले हुए होते थे मॉम पॉप शॉप टाइप के मॉम पॉप शॉप का मतलब है जैसे खालिद की आइसक्रीम आ गई अच्छा आगा जूस एक आ गया फिरोज जूस एक और आ गया सब ने अपने अपने नाम से शॉप्स खोली हुई थी हाँ। जिसमें मेरी शॉप थी द फोन गाइस के नाम से दूसरे लोगों की दूसरे नाम से थी किसी अपने घर वालों के अपने लास्ट नेम से थी तो हर सिग्नल पे ये खुला हुआ था जो ऊपर बड़े लोग हैं ना वो ये सब देख रहे थे ट्रांजेक्शन देख रहे थे ऐसे चप्पल शलवार कमीज वाले मिलीनिय बन गए थे इस बिजनेस में लोग मेरे आने के टाइम बन चुके थे लोग अच्छा। जो कि ऊपर वालों को पता था क्योंकि वो उनको डेटा मिलता है सारा वो मार्केट रिसर्च करते हैं लेकिन हमें एक दूसरे का नहीं पता था तो ऊपर वालों ने क्या किया कि उन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया नाम नहीं लूंगा उसका एक ब्रांड लॉन्च किया मार्केट में उन्होंने और वो ब्रांड आिस्ता आहिस्ता ब्रांचेस के देखना शुरू हो गए अच्छा। तो मेरी जो छोटी सी अदना सी सोच है मेरी अदनासी सोच ने यह डिटरमिन किया उस वक्त कि आज से पाँच साल दस साल बाद ये मॉम पॉप शॉप्स यहाँ नहीं दिखेंगी थोड़ा फोरसाइड थी नजर आ जाती थी चीजें होते हुए तो मैंने उस वक्त ये डिसाइड किया कि मुझे वो बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करना है जिसमें मैं एक चीज को सौ बार रेप्लीकेट कर सकूं सकू मेकडोन आई गो फर्दर देन दैट अंडर द सेम ऑफिस एक मॉडल को सौ बारेट कर सकूं मॉम पॉप शॉप मैं एक कर सकता हूं मैं दो कर सकता हूं अगर मुझे भरोसे वाले पांच लोग मिल गए मैं पांच कर सकता हूँ लेकिन द मॉडल दैट इज गोइंग टू गिव मी एक्सपीनेंशियल ग्रोथ वो है एक ब्रांड का स्ट्रक्चर्ड मॉडल ब्रांड स्टैब्लिश यू मेक फ्रेंड्स विद देम यू वर्क फॉर देम एंड यू ओपन अ बंच ऑफ लोकेशंस अब इसका सेकंड स्टेप सबसे बड़ा कारोबार ये और से सुननी है, आप बाद है। जमीन कर दो। तो हर जो जहां आपका है वहां पहले तो आप ऑफर्स डालोगे कि मुझे ये जमीन उठानी है वो जमीन उठानी वो नहीं मिल रही कहीं और जमीन उठाना शुरू कर दो तो जैसे मेकडोनल्ड कहता है ना हम बर्गर नहीं बेचते हैं हम जमीन खरीदते हैं हम फोन नहीं बेचते हैं, हम जमीन खरीदते हमारा काम यह है सुबह से शाम तक इतना पैसा जमा कर लेना कि दो बाद, एक महीने बाद महीने बाद बाद साल बाद, एक नई जमीन हो एक नया मकान हो एक नई कमर्शियल रियल स्टेट हो एक नया कार शोरूम हो ये हमारी प्रैक्टिस है अब That's इसके बाद एक और स्टेप आता है जो कि अगर कोई यहाँ खड़ा हुआ है ऑलरेडी उसको इस चीज पे प्रैक्टिस करना चाहिए दुनिया अटेंशन इकोनॉमी बनती जा रही है जो भी काम करो वो काम सिखाने वाले बनो सिखाने से लेगेसी बनाओ लेगेसी से इकोनमी फ्लरिश करेगी दस बच्चा सीखेगा दस बच्चा कामयाब होगा तुम्हारे पास अगर कुछ प्रोप्राइटरी है ना और तुम मेहनती हो जैसे मैं बोलता हूँ कल को अगर कोई और आसमानी आए तो वो इतना ग्रो कर जाए जितना मैं ग्रो कर गया हूं। मैं इंटीमीडिएट नहीं हूँ क्यों क्योंकि तो जब तक वो मेरे तक पहुंचेगा ना मैं वहां पहुंच जाऊंगा जहां पहुंचने का वो अगले दस साल में सोचेगा भागते रहना है भागते रहोगे तो डरोगे नहीं अपना सीक्रेट शेयर करने में अगर रुके हुए हुए हो, रिलैक्स हुएं कर रहे हो तो अपना सीक्रेट शेयर करने में थोड़ा सा डर लगेगा लगेगा। बिकॉज दुनिया में अबंडेंस बहुत है इट्स जायंट सैंडविच बहुत बड़ी बिरयानी की प्लेट है ये जो चाहे खा सकता है खाने वाला होना चाहिए सीन ये के we took a quick break मुझे बहुत ठंड लग रही थी भाई हमने थोड़ा सा खाना अंदर खाया हम वापस आए हैं एंड uh, इस पूरे पॉड कैसॉग को हम एक मैं बात पे करना चाहूँगा जो हॉट टॉपिक है जो पाकिस्तान में पता नहीं सारे लोग डरते हैं बात करने से एंड एवरी टाइम हिज नेम इज स्पोकन देर इज ऑलवेज ए फीर ऑफ कैंसलेट जिसकी हमने बात भी की बहुत ज्यादा अब एंड को ये भी बहुत मतलब सुना है उन्होंने मैं भी बहुत सुनता हूँ इनफैक्ट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे जितनी भी बातें भी की हैं ठीक है अब रिसेंटली कोई लिख रहा है एंड ओ देसी एंड्रू टेड लाइट एंड भाई एंड्रूटेड थोड़ी था जो इन आइडियोलॉजीज के साथ पहले आया था उसका जो पॉइंट मेकिंग है वो बड़ा आर्टिकुलेट है तो वो लोगों में फैला तो लोगों ने कहा यही ye, है कॉनर्स्योर बट दीज आइडियाज़ हैव ऑलवेज बिन देर तो जब भी इसकी बात करते हैं अबाउट वेमेन रिलेशनशिप्स मैस्कुलिनिटी मेकिंग मनी लोग कहते हैं वो सेक्स ट्रैफिकर है ये है फलाना है लेकिन आपकी एक बात मुझे अच्छी लगती है जब कहते हो कि यार अगर बंदा लेट से है भी हाइपोथेटिकली भाई उसकी अच्छी चीज़ें भी तो देखो ना अच्छी चीज़ें देखो कि यार उसने कितने लोगों को डिप्रेशन से लगाया उसने एक आइडिया तुम्हारे दिमाग में डाले कि डिप्रेशन इज़ नॉट रियल ठीक है जब तुम अपने दिमाग में रॉन्ग नंबर बैठा लेते तो ना मैं डिप्रेस हूँ मैं डिप्रेस हूँ मैं बीमार हूँ तो ऑब्वियसली यू कैन अट्रैक्ट एंड नेगेटिव एनर्जी

रोलो आ, रोलो टमासी की।, की बुक है ये आइडियाज वहाँ से इनिशिएट होते हैं अब उसको इन्होंने पेयर किया है वर्किंग वर्क एथिक हार्ड वर्क इन दोनों चीज़ों को कम्बाइन करके एंडोटेड ने पेश किया है एंड उसने जो अल्फाज का चुनाव किया है और जो अग्रेसन के साथ वो आया है उसकी वजह से मेरा ख्याल है लोगों को लगता है ये आइडिया इनिशिएट वहाँ से हुआ है हावेवर अगर अभी आप इंटरनेट पे देखो ना तो टेट जैसे चार पाँच सौ लोग अभी भी हैं

यू कैन स्टेट द थिंग्स जो आप और मैं सोचते हैं लेकिन महफिल में बोल नहीं पाते आप वो उसने बोल दी तो हमें भी ये चाहिए हम भी बोल दें और अगर एक इंसान से मैं मिलता हूँ जो कि चोरी करता है लेकिन वो पाँच वक्त की नमाज़ पढ़ता है तो क्या मैं महफिल में बैठ के उसकी ये तारीफ़ ना करूँ कि वो पाँच वक़्त की नमाज़ पढ़ता है क्या मैं सिर्फ यही बोलूँ कि इसकी आइडेंटिटी चोरी करना है सिर्फ तो अच्छे को अच्छा बोलो और बुरे को बुरा बोलो और हर बंदे से कोशिश करो आप अच्छा एक्सट्रैक्ट करो बुरा बगैर कोशिश किए एक्सट्रैक्ट हो जाता है ये हमारी फितरत में है हम बुराई बगैर कोशिश किए ले, ले लेते हैं नेगेटिविटी बचपन से फीड की गई वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जी टी ए वाइज सिटी जब खेलते हैं तो उनको ये होता है कि मैं रियल लाइफ में ये नहीं कर सकता तो मैं गेम में कर लेता हूँ तो बहुत से लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो उस तरह कॉम्प्रीहेंट कर लेते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ पे ले लेते हैं तो आई थिंक ओवरऑल नेट पॉजिटिव इफेक्ट है एंड जैसे लोगों का हम जब जैसे कंट्रोवर्शियल किसी इंटरनेट पर्सनैलिटी का नाम लिए बगैर बात करते हैं जैसे हमारे यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी आई थी जो डांस सिखाती थी वीडियोस लीक कर देती थी वगैरह इस तरह, इस तरह की चीजें करती थी तो उसका नेट इफेक्ट क्या है उस बंदी का नेट नेगेटिव है ना वो बुराई फैला रही है डिजेनरेसी फैला रही है एंडी का नेट इफेक्ट तो पॉजिटिव है ना तुम्हार, तुम्हारा तुम्हारा बच्चा सुबह जल्दी उठने पे मजबूर हो रहा है मेहनत करने में मजबूर हो रहा है जिम जाने पे मजबूर हो रहा है डिप्रेशन पे नहीं बिलीव कर रहा डिप्रेशन पे बिलीव नहीं कर रहा अपने आप को इनहै अपने आप को वो इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे कोई रिस्पेक्टेबल फैमिली का बाप अपनी बेटी की शादी करे yes. It's a net ही है। और मैं ये बात सोच बहुत बिलीव करता हूँ जब आप इससे बिलीव करने लग जाते हो ठीक है आप रोने लग जाते हो हर वक्त मैंने इनफैक्ट आपको वीडियो दिखाई थी मुझे उसमें कुछ लोगों से लड़कों से बैकलैश है तो लड़कियों से ज्यादा कि वो कहते हैं यार क्या मतलब कि हम अपनी बंदियों के आगे नहीं रो सकते वेमेन के आगे हमें रोन मैंने कहा भाई मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम इमोशंस ही शो कर सकते हैं इमोशन कंट्रोल होना चाहिए ठीक है हर वक्त लोगों के आगे रोना ठीक है नो बडी केयर्स अबाउट यू एंड कुछ लोगों ने कहा ओ ये तो टेट वाली बातें करें टेट वाली बातें तो इस्लाम में बातें ऐसी कि यू हैव टू बी मैस्कुलिन इन एवरी एस्पेक्ट ठीक है आदमी की जिंदगी मुश्किल है उस रिगार्ड में एक मिसाल ले लो कि अगर तुम एक स्टोर पे काम करते हो हुँ. और वहां रात में रोज सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है हु. और एक दिन बाहर शोर की आवाज़ आती है और सिक्योरिटी गार्ड अंदर आके तुम्हारे कंधे पे सर रख के रोना शुरू हो जाता है तो वहां जॉब करोगे कभी नहीं करोगे दैट्स द एग्जाम्पल अगर आप प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर हैं तो आपको वो रोल अडॉप्ट करना है सिमिलरली अगर तुम्हारी बीवी आके तुम्हें बोलती है कि मैं मुझे बच्चा पैदा नहीं करना मुझे प्रेगनेंट नहीं होना तुम yeah. हो जाओ प्रेगनेंट <laughs> तो क्या तुम तो शादी में रहोगे तो यू हैव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो और Simple अगर अगर वो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो नहीं कर रहे हो तो थिंग्स डोंट वर्क आउट जो सोशल लाइफ है ना वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है मल्टी वेरिएबल इक्वेशन है वही ना वो कहते हैं इक्वालिटी होनी चाहिए हर चीज़ में इक्वालिटी होनी चाहिए ये वो फलाना भाई इक्वालिटी है मतलब दोनों जो सेक्सेस हैं ना देर इक्वल इन रिस्पेक्ट देर इक्वल इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ देर ओन वैल्यूज बट जो वैल्यूज है ना वो डिफरेंट है ठीक है मतलब उसका रोल अलग है उस बंदे का रोल अलग है बंदी का रोल अलग है बट वो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पल्ला बहुत भारी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए नहीं आदमी पे ज़्यादा जिम्मेदारी है आदमी को ज़्यादा मेहनत करनी है ज़्यादा ख्याल रखना है लोगों का ज़्यादा फीलिंग्स का रिस्पेक्ट रखनी है इक्वालिटी yeah. नहीं है ना यू यू हैव टू बी हार्शर ऑन योर सेल्फ देन योर फैमिली अगर आप अपनी माँ की मिसाल लें कि अगर आपकी माँ काम करने जा रही है और आप सो रहे हो क्या यह इक्वालिटी होनी चाहिए नहीं।, नहीं क्या आपकी बीवी काम पे जा रही है और आप सोए हुए हो यहाँ इक्वालिटी होनी चाहिए नहीं यू हैव टू टेक द पेन ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड बाहर की दुनिया की तकलीफ आपकी जिम्मेदारी है अब अगर वो करना चाह रहे हैं और उनको दिल चाहता है करने का तो करो भाई वैसे एक और इसमें बात आती है इक्वालिटी आपने कहें ना अब ये ना डेटिंग वाले मामले में भी आए थे इवन दो दैट्स नॉट आई मतलब बिजनेस और ऑन्टरप्रीन की बात करें लेकिन वी वर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन इमोशन साइकोलॉजी और बहुत सी वुमेन जो मुझे फॉलो अप कर रही हैं वो बिलीव करती हैं इससे ना मतलब ओल्ड मैस्किल वैल्यूज पे और मैं उनको कहता हूँ यार देखो मैंने ये बात की थी कि अगर तुम्हें बंदा चाहिए जो स्ट्रॉन्ग मैथ नो राइट यू वॉन्ट अ गाय टॉलर देन यू वॉन्ट अ गाय गायज मोर सक्सेसफुल देन यू वॉन्ट अ गायज स्मार्ट एंड स्ट्रॉर दिन हाउ कैन इट बी रियली इक्वल यू नो ही हैज टू ही हैजू बी देट समेट यू लुक अपू बीट प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड राइट लेकिन वही बात है कि कुछ लोग उस चीज़ को समझ नहीं रहे एंड अगेन वो उस एंड वाली बात पे जोड़ देते हैं <laughs> देखो सोशली आजकल जो रिक्वायरमेंट है ना चलो खाली दुनिया की बात छोड़ देते हैं अपने उसमें बात करते हैं जब एक बंदा एक बंदी के पास रिश्ता लेके जाता है जब एक बंदा, एक बंदा बंदी के पास रिश्ता लेके जाता है सवाल क्या होता है काम क्या करते, करते हैं सबसे पहला सवाल ये आते हुए आपकी गाड़ी देखी जाती है आपके घर जब आते हैं आपका घर देखा जाता है तो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका काम है आपकी आपका हुसन आपका काम है लेकिन जब हाँ लेकिन जब लड़का लड़की को देखने जाता है हुसन देखता है नज़ाकत देखता है बात करने का तरीका देखता है सुलझावा फेमिनिटी देखता है फेमिनिटी चाहिए होती है तो हमें चाहिए ऑपोजिट सेक्स में फेमिनिटी ऑपोजिट सेक्स को हमें चाहिए मैस्कुलिनिटी द ड्राइव टू अचीव समथिंग कुछ बनने की ताकत या तो बन गए हो या बनने के रास्ते में हो या बनते हुए नजर आ रहे हो वो ड्राइव इट्स नॉट के अब के जरूरी कि बाद लैम्बो ही हो भाई मैं यही कहता हूँ तो उस लड़के में खंगर होनी चाहिए कि ये बंदा कुछ करेगा समझदार लड़की होगी तो कुछ नहीं भी होगा और करते हुए नजर आ रहे हो तो वो एक्सेप्ट करेगी बेवकूफ़ लड़की होगी तो वो उसको रिजेक्ट करेगी और बाद में जाके वो पछताएगी सिमिलरली समझदार लड़का होगा और आप में और नज़ाकत है और आप पायस हैं और आप लॉयल हैं और सिंसियर हैं विच इज द क्वालिटीज़ जो क्वालिटी है ना वो आदमी चैसिटी दे वो ही ना कि मेरे से लॉयल है मैंने जिस तरह बात की थी कि अगर वो फनी बात थी लेकिन बंदा कहना कि यार इतनी लॉयल होनी चाहिए कि वो उस बंदे के साथ हर बोंगे बंदे के साथ नहीं ठीक है जैसे हमने बात की लेकिन अगर कोई ना कि हमने कल को बैग भी लूटा मैं कह नहीं रहा अगेन डिस्कलेमर डोंट डू इट बट लेकिन अगबर बंदा कह रहा है ना कि मेरे साथ एंड ऑफ द वर्ल्ड में भी तुम खड़ी हो और वो बंदी खड़ी हो मैं कहता हूँ वो बंदा उस बंदी के लिए जान दे देगा अपनी दैट्स हाउ मैन आर ठीक है तो यही मैं 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 मतलब कहना चाहूँगा कि यार लेकिन वही बात है कि इस चीज़ पे बैकलैश आता है आई थिंक वी आर स्टिल एवाल्विंग फ्राम दैट माइंड सेट एंड आई नो जब भी हमारा लगेगा पॉडकास्ट पे भी बहुत बैकलैश कॉमेंट्स अभी भी आएंगे लोग कहेंगे ओ ये क्या बात करो नहीं 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 इसमें रियलिटी में नहीं होता ये नहीं होता वो नहीं होता बट आई थिंक आई ट्रूली बिलीव दैट अगर हम सच्चाई का वर्ड स्प्रेड आउट करेंगे तो आज नहीं कल नहीं पाँच साल में दस साल में इवेंचुअली पीपल विल अंडरस्टैंड आई डिस नॉट दैर इजी बहुत सारे चेंजेस के लिए बहुत सख्ती और बहुत रेवोल्यूशन लाइक इन्वायरमेंट क्रिएट होना चाहिए तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी सोच जो ग्रोम होकर बनी है पिछले पचास साल में जो तुम्हारे फादर की एक सोच थी उन्होंने अडॉप्ट की फिर तुम पे प्रोजेक्ट की वो और फिर तुमने एक्सटर्नल भी बोली तुम्हारी जो सोच बनी है इतने सालों में तुम ये अज्यूम कर रहे हो कि एक अफ्रीका के विलेज में बैठा हुआ डिफरेंट एक्सपीरियंस से बड़ा हुआ बंदा तुम्हारी सेम सोच ले ले या कोई कैलिफोर्निया के लिबरल घर में पैदा हुआ हुआ बंदा

इलेक्शन सोए इसलिए नहीं होते कि लोगों की एक सोच बिल्ट इन होती है मेजोरिटी ऑफ लोग बंदर की तरह है जो देखते हैं वो कॉपी कर लेते हैं ऐसा ही है तो आप उनको सिखा नहीं सकते स्पेशली जहाँ क्रिटिकल जो तुम कह रहे हो ना वो तुम सिखा नहीं रहे हो क्रिटिकल थिंकिंग की बात है आप लकीर का फकीर बना सकते हो बंदे को लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग सिखाना इज इम्पॉसिबल मैं अगर, अगर अभी तुम मुझे कहो ना सौ लोगों का क्लासरूम है और आप एक स्पीच दें और उस स्पीच के बाद कितने लोग चेंज हो जाएंगे आई वुड से वन और टू पीपल एक या दो बंदा तो ये कोर्सेज में भी यही होता है जब ये लोग करते हैं जो सारा वो करते हैं कहते हैं कि ना हमें गेट रिच को वाली स्कीम चाहिए लेकिन जिस बंदे को जिसने करना होता है ना वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन से भी ले गए ना

अगर वो कंपाइलेशन और वो प्रोडक्ट और वो नॉलेज ऑथेंटिक है अच्छी है सच बोल के बेची जा रही है और आई एम फाइन विद इट नो ऑब्जेक्शंस लेकिन अगर वो गेट रिच क्विक और ख्वाब दिखा के बेची जा रही है और झूठ के लिबादे में लपेट के बेची जा रही है देन योर माइंड इज नो तो मैं मेरा हमेशा कहना यही है कि सक्सेस उस काम में छुपी है जो करने से तुम भाग रहे हो अनकंफर्टेबल काम में उस काम में छुपी है अब तुम्हें ये कोर्स भेजने वाला बोलता है कि सक्सेस उस आराम में छुपी है जो आप कोर्स देख के नहीं हो रहे, हो, आप उस लेवल तक नहीं जा रहे है। और मैं आपको कह रहा हूँ लेकिन वो बात है अगेन

where they can reach two points that they desire and there is a certain group of people who have to choose what they are good at and pursue that kabhi kabhi zindagi mein ye accept karna bhi kamyabi number 3 ya number 4 hu har ek number 1 nahi ho sakta lekin apne mind mein to thoda sa sochna to hota na bande ko i wont say manifest it overuse ho gaya lekin bande ko apne mang mein thoda sa sochna hota i am the g i am the man i can accomplish it and even if he fails he learns something from it within certain avenues जो एथलेटिक नहीं है मैं ये नहीं कह सकता की यू के नी अ ग्रेट बास्केटबॉल प्लेयर रियलिटी में भी रहना यू के नॉट लाइट यूर सेल्फ पीपल माइड लाइट यू लोग आपको बताएंगे तुम कुछ भी कर सकते हो बेटा लेकिन आप अपने आप से तो झूठ ना बोलो अपने आप को पहचानो अपनी लिमिटेशंस को पहचानो और अपने पोटेंशियल को पहचानो लिमिटेशंस को पहचानोगे तो ड्रीम वर्ल्ड में नहीं रहोगे अनरियलिस्टिक काम नहीं करोगे और पोटेंशियल को पहचानोगे तो पूरी मेहनत करोगे जो काम करना चाहिए उसमें वैसे मैं पार्शली एग्री करूँगा बिकॉज आई थिंक दैट एक मुझे फिल्मी विद दिस बट मुझे लगता है कि यार पर्सनली यू नो सबका एंड गोल क्या है लाइफ का कि सबने मरना है ठीक है दैट इज समथिंग दैट विल टेस्ट यू मी एंड एवरी वन दैन इफ यू आर लिविंग इन दिस ड्रीम वर्ल्ड एंड इफ यू थिंक यू कैन अचीव समथिंग मे बी इफ यू एम फॉर द स्टार्स इवेंचुअली यू माइट रीच द मून राइट इन द राइट डायरेक्शन माई पॉइंट इज इन द राइट डायरेक्शन दीवार पे सर मारते रहना पूरा दिन भी मेहनत होती है यू हैव टू बी इन द राइट डायरेक्शन अपना फुल पोटेंशियल राइट डायरेक्शन में एक्सप्लोर करो अगेन मैंने भी एक मिसाल दी थी कि एक बंदा है जो रोज रात को चाय के होटल पे बैठता है चार चार बजे तक दोपहर में दो बजे तक उठ रहा है अपनी किताब वो महीने में एक बार बार खोलता है क्या तुम्हें लगता है वो बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा नहीं वो तो फिर बेवकूफ़ी भी ना स्मार्ट वर्क भी तो। नहीं नहीं बनेगा ना डॉक्टर मे भी वो इसलिए पढ़ाई नहीं कर रहा कि ये उसकी फील्ड नहीं है या ही यान बिल्ड टू बी दैट अपने आप को पहचानना सबसे मुश्किल काम है ये जो मैट्रिक के बाद जो आइडेंटिफाई करना होता है ना बंदे को जो प्री इंजीनियरिंग लेनी है या प्री मेडिकल लेनी है कॉमर्स लेनी है सबसे मुश्किल स्टेप ये है

अगर तुम्हें बचपन में ये आइडेंटिफाई हो जाए कि मैं बहुत अच्छा यूट्यूबर हूँ मैं बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर हूँ तुम शायद इंजीनियर नहीं बनते इस फील्ड में अभी पाँच मिलियन फॉलोअर्स के साथ आगे निकले हुए होते लेकिन तुम्हें ये रियलाइज हुआ आफ्टर डूइंग एवरीथिंग इन योर बेसिक्स विच यू आर फोर्स टू डू और नाइनटी लोगों के साथ होगा ही ये कि वो पहले एक चीज़ करेंगे वो उसमें नहीं कर पाएंगे फिर वो दूसरी चीज़ करेंगे और उसमें प्रॉस्पर कर जाएंगे तो आप मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक पौधा है उसे वो बड़ा फलना फूलने वाला पौधा है लेकिन उसे धूप नहीं मिल रही है जिस दिन उसे धूप में ला रखोगे ना वो आपको फूल और फल दोनों देना शुरू कर देगा धूप में आना क्या है ऑनेस्ट right awesome, right मुझे आपके बारे में पता बट आई लर्न सो मच थ्रू आउट दिस कॉन्वर्सेशन ठीक है एक बंदे को ना देखो गेम रिकगगनाइज गेम ठीक है मैंने अब इनको देखा है इनसे मैंने काफ़ी चीज़ें लर्न की है एंड इट्स ऑलवेज़ गुड टू फाइंड सिमिलर पीपल विद सिमिलर माइंड सेट्स ऑब्वियसली ही नोज़ वे मोर देन आई डू एट दिस मोमेंट ऑफकोर्स किज एक्सपीरियंसिस वगैरह होते हैं लेकिन मुझे एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि यू नो यूर ओपन टू द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड यू नो यूर नॉट शुगर कोटिंग एनी थिंग एंड शुगर कोट करते हो ना तो वो बहुत अच्छा लगता है कंफर्टेबल फील होता है इनी मिनी होता है लेकिन हाश रियलिटी इवेंचुअली आपके हमेशा काम ही आती है इन द लॉन्ग रन So yeah, I learned a lot from it. Boys and Girls Podcast and Slash blog we end here. Don't forget to subscribe your boy Musa Khana and don't forget to subscribe to your you have a YouTube channel, right? Actually, I don't have my own YouTube channel. I have some friends and family that have YouTube channels. Which but one is look up Saad Hashmani, you're going to find a... I'll put a link, I'll put a link in down there and your Instagram, that... that's Saad A. Hashmani ओके okay, सादे यशमानी इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो हिम एंड यू कैन फॉलो मी एज वेल वहाँ पे भी रील्स आएंगी हमारी इस पॉडकास्ट की क्लिप्स वगैरह भी सारा कुछ होगा वहाँ पे भी आएगा एंड देन इनशा आई एल शूट अनदर एपिसोड एंड इन लुकिंग लुक टू अनदर पॉडकास्ट पीस आउट